तो आज के हमारे क्लास में अभय जी के साथ हम एडवांस एक्सेल की पहली क्लास कवर कर रहे हैं और इस पहली क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा सिलेक्शन, हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा। पहली क्लास में डेटा को समझना जरूरी क्यों है, इस चीज को जान लीजिए। देखिए क्या होता है कि हमारे पास जब एक्सेल में हम काम करने जाते हैं तो आप एक्सेल के किसी भी टॉपिक या किसी भी ऑप्शन को ले लीजिए, उन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपको फिल्टर लगाना है, आपको शॉर्ट करना है, आपको पिवट करना है, आपको कंडीशंस अप्लाई करनी है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, कलर करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एवरीथिंग। जो टॉपिक्स है अप्लाई कब होता है, जब हम डेटा सिलेक्ट करते हैं। अगर डेटा को सिलेक्ट ना करें तो क्या होगा, उस चीज को हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगी तब तक होगी कैसे। इसलिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन जो हम कर रहे हैं, अब यहां पे ये भी जान लेते हैं कि आप बोले डेटा सिलेक्ट कर ही लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ तरीके हैं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो आपके सामने मेरा डेटा आपको दिख रहा होगा, अब इस डेटा को सिलेक्ट करना है तो माउस से सिलेक्शन के लिए सिंपल सा माउस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल है, आप करते हैं। लेकिन इसके भी त्रुक है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा डेटा हुआ है दिक्कत हो जाएगा, तो माउस सिलेक्शन करते हैं तो एक तरीका ये है कि आप A1 पे कर्सर रखें, और शिफ्ट को प्रेस कर सबसे लास्ट वाले सेल पे क्लिक कर दे, सिलेक्शन हो जाएगा। होता है क्या है कि आप ऊपर क्लिक किया और नीचे जब क्लिक करते हो तो कर्सर ऊपर से मूव होके नीचे आता है, लेकिन यही जब शिफ्ट के साथ क्लिक करते हो तो सिलेक्शन के साथ आता है। सिलेक्शन के साथ आता है, तो आप पहले पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट पे क्लिक करें, माउस से सिलेक्शन होता है। अब दूसरी बात करते हैं कीबोर्ड की सिलेक्शन। तो कीबोर्ड की सिलेक्शन तो आप जानते हैं कि शिफ्ट के साथ आप एरो की का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल स्टार कर सकते हैं। कंट्रोल ए एक बार करेंगे तो डेटा सिलेक्ट होगा, दूसरा बार सिलेक्ट रसी में दूसरा बार कर दिया तो पूरी शीट सिलेक्ट होती है। तो एक बार सिलेक्ट करने से क्या होता है, डेटा सिलेक्ट होता है। अगर मैं उसको दो बार करूं तो पूरी शीट सिलेक्ट होता है। कंट्रोल स्टार करते हैं, एक बार करें या पांच बार करें, आपका डेटा ही सिलेक्ट होता है। अब देखिए कंट्रोल ए तो आप लोग करते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है, उस चीज को जान लीजिए। अगर मैंने पूरी की पूरी रो ब्लैंक कर दी, आपके सामने एक रो मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया, अब मैं यहां कंट्रोल ए करता हूं तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है, नीचे भी कंट्रोल ए करता हूं डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ऊपर करते हैं सिलेक्ट तो ऊपर का डेटा सिलेक्ट होता है, नीचे का नहीं। तो कंट्रोल ए से आपका ऑल डेटा सिलेक्ट तो होगा, लेकिन जैसे इसको ब्लैंक रो मिलेगी वो उससे ऊपर का डेटा सिलेक्ट करेगा, उसके नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ब्लैंक रो का मतलब है कि कहीं पे ये ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है सर। हेलो अभय जी, समझ में आ रहा है आपको? जी 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 जी। तो ये रो, अब एक सेल अगर इसमें टाइप हो गया तो कंट्रोल ए करते ही अब पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक ब्लैंक सीरीज है तो ब्लैंक है तो सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट अगर किसी एक में टाइप है तो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम कॉलम को देखें तो हम कॉलम इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने यहां दिख रहा है कि आपका एक ब्लैंक पूरा कॉलम है, तो उससे पहले डेटा सिलेक्ट होगा,
उसके बाद का नहीं होगा, लेकिन किसी एक जगह पे टाइप है तो फिर पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कंट्रोल ए होता है, और कंट्रोल स्टार का भी सेम फीचर है। अब बात करते हैं कर्सर को मूव करने के। तो जनरली हम कर्सर को मूव एरो की से करते हैं। अब एरो की के जगह पे आप शिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी टैब का, और शिफ्ट टैब का। तो टैब से आपका आगे जाएगा, शिफ्ट टैब से कर्सर आपका पीछे आएगा, टैब से आगे जाएगा, शिफ्ट टैब से पीछे आएगा, एंटर से नीचे जाएगा और शिफ्ट एंटर से ऊपर आएगा, एंटर से नीचे जाएगा, शिफ्ट एंटर से ऊपर आएगा। अब बात करते हैं कर्सर को कंटिन्यूअस मूव करने की। हम चाहते हैं जो कर्सर मेरा है वो सबसे ऊपर एक बार नीचे आ जाए, कर्सर हमारा नीचे आ जाए। तो नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है? हमने एरो की के जगह पे कंट्रोल एरो की यूज किया है। मैं कंट्रोल के साथ जब एरो की को प्रेस किया तो सबसे लास्ट में आ गया, फिर वापस प्रेस किया तो लास्ट में, वापस प्रेस किया तो अप में। मतलब कि आप लेफ्ट राउंड अप, लेफ्ट राउंड अप, इस तरह से कर सकते हैं। आपका कर्सर डायरेक्ट वहां पे मूव होगा। अब जाहिर सी बात है कि मैं अगर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करता हूं, डाउन एरो करता हूं, तो क्या होता है? सिर्फ कर्सर मूव होता है। लेकिन इसी में अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूं तो आप देखिए सिलेक्शन भी होता है। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आप कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि मेरा ब्लैंक है तो मेरा कर्सर यहीं पर रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, और बहुत सारे ब्लैंक है आपके सामने, बहुत सारे ब्लैंक है, तो क्या होगा कि आपको बहुत बार नीचे आना पड़ेगा। तो डेटा मान लीजिए भी छोटा है, 20 रो का डेटा है, लेकिन हो सकता है 2000, हो सकता है 20000 का डेटा हो, और जब बहुत सारे जगहों में ब्लैंक हो तो नीचे आने के लिए आपको कई बार कंट्रोल के साथ या पेज डाउन का यूज करना पड़ेगा। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि ऊपर आपको दिख रहा है नेम बॉक्स, इस नेम बॉक्स पे आप जाए और यहाँ पे 65000 टाइप करके एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करते ही आप पहुंच जाएंगे सबसे लास्ट में। हम कहां पहुंच गए? सबसे लास्ट में। 65000 या 10 लाख एक बड़ा सा अमाउंट डाल दीजिए। फिर मैं कंट्रोल के साथ अप एरो का इस्तेमाल किया तो देखिए मैं कहां पहुंच गया, डेटा के लास्ट पोजिशन। अब इसके ऊपर कोई भी ब्लैंक हो उससे कोई मतलब नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेम बॉक्स में गया, यहां पे ए 65000 को टाइप करके और यहां एंटर मारा तो मेरा कर्सर 65000 पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 65000। अब यहां से हम क्या करेंगे कि हम कंट्रोल के साथ अप एरो का यूज करेंगे सबसे डेटा के सबसे लास्ट में। अब यहां से डेटा सिलेक्ट करना है तो सबसे लास्ट में सिलेक्ट करके कंट्रोल और होम का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और होम डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब होम का क्या दिक्कत है बताता हूं। देखिए आपका कर्सर यहां है, अब आपने कीबोर्ड का एंड बटन दबाया, कीबोर्ड में देखिएगा डिलीट के बाद एंड बटन होता है, एंड बटन दबाते ही नीचे स्टेटस बार में आ जाएगा एंड मोड। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मैं सबसे लास्ट में पहुंच जाऊंगा, सबसे लास्ट में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूज्ड सेल होता है। जैसे मैंने यहां पे कर्सर यूज कर लिया, मान लीजिए मैं बाद में इसको डिलीट भी कर दिया, अब क्या होगा, अब कंप्यूटर के लिए मैं यहां पे एंड करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो अब कर्सर मेरा यहां क्यू पे जाके रुका, तो ये देखता है लास्ट यूज कॉलम के पे जाके रुकता है, लास्ट यूज कॉलम, भले उसमें डेटा हो या ना हो। अब मैं यहां पर हूं, मुझे सबसे स्टार्टिंग में आना है तो होम बटन प्रेस कीजिए, सबसे स्टार्ट में आए, एंड और एंटर से सबसे लास्ट में जाएंगे, तो होम से स्टार्ट में आएंगे उस पर्टिकुलर रो में। लेकिन जब मैं कंट्रोल एंड करूंगा तो सबसे लास्ट में आएंगे यहां पे,
डेटा के सबसे लास्ट यूज रो एंड कॉलम पे पहुंच जाएंगे, और कहीं पे क्लिक करके कंट्रोल होम करेंगे तो स्टार्टिंग में चल जाएगा। और कंट्रोल से जा सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ अगर हम शिफ्ट को प्रेस करें तो क्या होगा, वो डेटा सिलेक्शन कर देगा। अभय जी समझ में आ रहा है, विशाल जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर, ऑल क्लियर। इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं मल्टी सिलेक्शन, कि मल्टीपल शीट को कैसे सिलेक्ट किया जाए। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया, तो कंट्रोल प्रेस करके जहां भी क्लिक करेंगे अब वो सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्रेस करके जहां भी क्लिक करेंगे वहां आप सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इस पे आप सिर्फ फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते, इस पे आप इस डेटा को आप कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करेंगे तो दिस एक्शन नॉट वर्क ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन, सिंपल सा शो करेगा। तो यहां पे अगर आपको कॉपी करना है तो सिलेक्शन करना होगा तो एक सीक्वेंस में, जैसे A1, C1, E1, F1 इस तरह सिलेक्ट किया, एक रो में है सिलेक्शन हुआ, A से 3, E से 3, I से 3 कॉपी हो जाएगा। क्यों? ये तीन तीन रो हर कॉलम में, तो जो भी सिलेक्शन करेंगे हर कॉलम में सेम होगा। अब सेम से क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम हुई थी, एक मैडम थे उन्होंने मुझे बुलाया सर मैंने तीन रो ए कॉलम में सिलेक्ट किया है और तीन रो डी कॉलम में सिलेक्ट किया है, फिर कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? आपने बताया था सेम रो होने से कॉपी होता है। तो सेम रो के मतलब ऐसे नहीं कि आपने काउंट के हिसाब से ले, सेम रो के मतलब कि सेम रो कि 1, 2, 3 आपने यहां सेलेक्ट किया हुआ है तो 1, 2, 3 डी में भी सिलेक्ट होगा, देन आप कॉपी कर सकते हो। मल्टीपल सेल जब सिलेक्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप जब कॉपी करते हैं तो कॉपी करेंगे तो अलग अलग सेल होगा, जब पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा होगा, पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा होगा, सिंपल सा मेथड। यहां समझ में आ गया आप लोगों को? अभय जी एंड विशाल जी को डाउट नहीं सर? चलिए अब इसमें अगर बात करते हैं कि मेरे पास एक शीट्स है, मैं चाहता हूं हर शीट पे डेट को लिखना, हर शीट पे हम डेट को टाइप करना चाहते हैं एवरी शीट पे, तो आप बोलेंगे से मैं टाइप करता हूं फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं टाइप करके कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं एक ही बार में हो जाए। तो आप क्या करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करें। तो क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और सबसे लास्ट वाले सीट को क्लिक करना है, सारे शीट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर जो देखिए यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। अब क्या होगा कि अब जहां भी मैं किसी भी तरह का एडिटिंग करूंगा वो हर शीट में होगा। जैसे मैंने यहाँ टुडे लिखा और यहाँ आज का हमने डेट डाल दिया। अब देखिए Sheet 4, Sheet 5, Sheet 6, Sheet 7 सब पे टाइप हो रहा है। मान लीजिए मुझे सारे शीट में नहीं, कुछ सिलेक्टेड शीट में ऐसी फीचर्स चाहिए, तो हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, जिस जिस शीट में चाहिए उस शीट पे हम क्लिक करेंगे। लेकिन किसके साथ, कंट्रोल के साथ। तो हम पहले वाले को क्लिक किए, कंट्रोल प्रेस किए, फिर अगला को सिलेक्ट किए और फिर यहां पे अब मान लीजिए मैं टाइम देता हूं और इसको कलर भी कर देता हूं। अब देखिए शीट 4 में नहीं है, शीट 5 में है, शीट 6 में नहीं है, शीट 7 में है, ये मल्टी सिलेक्शन होता है। तो मल्टी सिलेक्शन समझ में आ गया शीट के ऊपर एंड सेल के ऊपर? अब ऐसी कोई डाउट आपको? नहीं सर, ऑल क्लियर। अब देखा मैंने यहां पे आज की क्लास में बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में बात की,
अब कुछ शॉर्टकट तो आप पहले से जानते थे, कुछ चीजें पता चली तो हो सकता आप याद रखें, और बहुत सारे शॉर्टकट तो आपके दिमाग से निकल भी जाए। तो उस केस में क्या करें, शॉर्टकट की लिस्ट कैसे पता चले, शॉर्टकट से पता चले। और सबसे बड़ी बात है कि शॉर्टकट जानना ही क्यों है। ये क्या होता है कि हर कमांड को हम शॉर्टकट से और माउस से दोनों से फॉलो कर सकते हैं। जैसे मुझे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कर सकते हैं, या फिर होम मेनू बार के बाद फाइंड सिलेक्ट के गो टू स्पेशल में करेंट रीजन सिलेक्ट करके ओके कर सकता। तो क्या होगा, अभी यहाँ पर खुद कि अगर कीबोर्ड से काम करता हूं तो जल्दी हो रहा है, माउस से थोड़ा लेट हो रहा है ना सर। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप माउस का उपयोग कम करते हो, सारा काम कीबोर्ड से करते हो, तो आपकी स्पीड 30% तक बढ़ सकती है। इस चीज को मैं भी एग्री करता हूं। या फिर आप इंटरव्यू में जाइए और आपको कोई टेक्निकल टेस्ट पे बैठा है और सारा काम अपने कीबोर्ड से करे, या कीबोर्ड से इस पर से खटाखट वाली आवाज आए तो अच्छा ना सर, अलग इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो शॉर्टकट लेने के लिए दो तरीके हैं। देखिए, मैं क्लास में शॉर्टकट बहुत कम यूज करूंगा। रीजन ये है कि आपको मेरा कीबोर्ड नहीं दिखेगा, आपको मेरा कीबोर्ड नहीं दिखेगा, मेरा दिखेगा सिर्फ माउस आएगा। तो मैं कहां पे कौन सा ऑप्शन यूज किया आपको पता नहीं चलेगा। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको फर्स्ट डे ही आपको शॉर्टकट यूज करके बता रहा हूं, इसके बाद मैं शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा। तो शॉर्टकट के लिए आप उस पर कर्सर रखेंगे तो शॉर्टकट आपके यहाँ पता चल जाएगा। लेकिन आपको लिस्ट चाहिए तो ऊपर आपको यहाँ दिख रहा है सर्च, इस सर्च में जाइए और शॉर्टकट सर्च कीजिए। यहाँ आ गया, सर्च पे क्लिक करें, यहां सर्च करके आपको दे देंगे। यहां दिख रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल की, क्लिक कीजिए। ओपन इन ब्राउजर कर देंगे तो इंटरनेट के पेज पे ओपन है। सारे शॉर्टकट यहां अवेलेबल है। अब इसको एक ऐसा नहीं कि आपने संस्कृत की श्लोक की तरह इसको रट्टा मार लिया और आपको याद हो गया, इसको यूटिलाइज करना होगा। तो कैसे करेंगे यूटिलाइज? देखिए, इस यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके ऑफिस में कुछ ऐसा टाइम होगा जिसमें आपके पास काम कम होगा, और काम होंगे भी तो उसका कोई डेडलाइन नहीं होगा कि आप मुझे कल तक देने हैं या मुझे अभी शाम में ही देने हैं। ऐसे टाइम पे आप जो है माउस का उपयोग बिल्कुल ना करें। अब कम टाइम वाले टाइम में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में आपका कीबोर्ड जो है स्पीड बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा, क्योंकि सारे की आपको याद रहेंगे नहीं, आपकी स्पीड घटेगा न कि बढ़ेगा। ठीक है, इसका यूज आप कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और आती है कि कुछ ऐसे चीजों का डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। तो यहां देखिए, इसने ऑल टाइप के बारे में बता रखा है। आप एक्सेल पे आइए, मान लीजिए मुझे एक्सेल में अगर यहाँ पे कलर अप्लाई करना है तो मैं माउस से नहीं कीबोर्ड से कैसे जाऊंगा वहां पे, तो आपको अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करना होगा। जैसे आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपके सारे मेनू जो है हाईलाइट हो गए। तो एच के नीचे क्या है, होम के नीचे एच है, तो मैं कीबोर्ड का एच प्रेस करूंगा। कीबोर्ड का एच प्रेस करते ही आपके मेनू बार के जितने भी फीचर्स है सबके आगे इस तरह का आइकन आ गया। अब एच में गया, कलर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। मुझे बॉर्डर लगाना है तो अल्ट एच बी फॉर बॉर्डर,
ए फॉर ऑल बॉर्डर, यहाँ ए फॉर ऑल बॉर्डर। तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा अल्ट बी एच ए, ठीक है। इस तरह की शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बताइएगा। अब शॉर्टकट के बाद बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए यहां पे लिमिटेशन पता करना है, किस फीचर का क्या लिमिट है मुझे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे किस फीचर का क्या लिमिट है, वही आपको जहां शॉर्टकट आपने लिया था वही में पता करेंगे। तो यहां पे आप क्या करें, यहां पे आप लिमिट्स को सर्च करें, और यहां देखिए नाइन इज ऑफ लिमिट, क्लिक कीजिए यहां पे, ये आपको यहां पे दिख रहा है एक्सेलरेशंस एंड लिमिट्स। और यहां हर फीचर की मैक्सिमम लिमिट दिख रही है। सर ये आपके ऊपर टास्क बार में ये ऊपर जो सर्च आ रहा है, या मेरे इसमें तो नहीं आ रहा सर, एक्सेल में नहीं आ रहा आपका, लो सकता है लो वर्जन हो। आप क्या करें F1 प्रेस कर लें, F1 हाँ हेल्प कर लें। अच्छा अब इसको तो एक बार आप क्या करें इस लिमिटेशन को पढ़ लीजिए। अब लिमिटेशन पढ़ने के लिए को कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं कि आपके पास पता होना चाहिए कितने रो एंड कॉलम है, कितने कॉलम की विड्थ कितना है 255 कैरेक्टर, या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको एंटर करना है। तो ये चीजें कभी कभी काम आती है, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर इफ के हम कितने नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, एक्सेल में हम एक सेल के अंदर कितने नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। देखिए इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन आपके फॉर्मूले का साइज अगर 32,767 से ऊपर गया तो आपका फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा। सर अभी आपने क्या बताया फिर से रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज। हमने बोला कि लिमिटेशंस है, जैसे कि यहाँ पे एक इफ फॉर्मूले के अंदर कितने इफ डल सकते हैं। इफ क्यों डालते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला फंक्शन आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। करने मतलब एक सेल के अंदर आप 32,700 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, चाहे नॉर्मली आप टाइप कर लें या किसी फॉर्मूले के रूप में टाइप कर लें, ठीक है। ये लिमिटेशन है कि एक सेल 32,000 कैरेक्टर को ही कैरी करता है, इसलिए बाकी लिमिट जो है लिखा हुआ है। एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा, हालांकि इसको माने कि ये नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, इसको मेमोराइज नहीं करना है कविता की तरह, लेकिन एक बार इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डाउट सर? ठीक है सर।